वही हजरत हैं जो हमारी तहरीक के तय किए हुए एजेंडे के खिलाफ चंद सिक्कों के लिए बिक गए थे। तो जो चंद सिक्कों के लिए बिक सकता है वो आपकी मस्जिद भी बेच सकता है। देख लीजिए हिम्मत है कि कहीं जगह मिल जाएगी। लेकिन कौन समझाएगा मेरे अजीज, सिर्फ शादी के बारात के खर्च को कम कर दे। क्या गजब हो गया हजरत, ये लानत जहेज और नकदी की गरीबों के घर से नहीं अमीरों की कोठी से निकली है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। सही है। धीरे बोल रहे हो। सही है। आप मत बोलिए ना, इनको बोलने दीजिए। बोलो, ये जहेज की लानत अमीरों के घर से निकली या गरीबों के छप्पर से? अमीरों से डर रहे हो क्या? अरे मुझे मालूम है उसकी तिजोरी में कितने सिक्के हैं। सर्वे रिपोर्ट बलियावी के पास है, 1,000 में 1 करोड़पति मिलता है। यही तो औकात है तेरी। ये तो सदका है करबला वालों का और खैरात है मदीने वाले मेरे मुस्तफा की, कि दुनिया की हर जरूरत रुक जाती है लेकिन नबी के आशिकों की कोई जरूरत नहीं रुक पाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये नकदी और जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि खत्म होना चाहिए? उठाए रखी। स्टेज के लोग चाहते हैं ये रहे। क्या हजरत चाहते हैं रहे? तो जब आप लोग नहीं उठाएंगे तो ये सब क्या करेगा? मैं तो चाहता हूं कि उलमा और अवाम दोनों का आज काम बांट लो। जलसे रोज करते हैं, आज कुछ काम कर ले। तो एक बार फिर से बोलो, ये जहेज और नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बारात कम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो ये काम कौन करेगा? अरे बोलो ना, ये काम कौन करेगा? इम्तहान हो गया हजरत। अभी ये जान दे रहे थे नबी के इश्क में। अरे पूछता हूं, ये काम कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? इस मजमे में कोई कुंवारा लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ है तो जरा खड़ा हो जाए। क्या बात रही, खड़ा हो ही जाए। बखुदा मौलाना, आपको देखने के बाद मेरे नौजवानों को के बीच जज्बा आएगा। अब नारा लगाओ बीच से खड़ा होकर, वो पहलवान कहां गया? हजरत खड़ा होने में कोई शर्म की बात नहीं। नहीं नहीं, खड़ा हो, ये आलिम नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अब ये जितने नीचे, अब नीचे जितने पैसे वाले और गरीब कहलाने वाले बाप के बेटे हो, अगर गैरत जिंदा है और शर्म आती है तो देख तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की तब्दीली का एजेंडा लेकर मेरा एक कुंवारा आलिम खड़ा हो गया। मजमे में अगर कोई कुमारा हो तो खड़ा होके बता दे। दो तीन, खड़ा रहो। खड़ा हो रहा है लेकिन बाप के डर से बैठ जा रहा है। जी, बस खड़ा रहो। देख लो सिरिसखेड़ा वाले, सिरिसखेड़ा में नौजवानों में सिर्फ अल्फाज की गर्मी है या सीने में भी दम है? एक दो तीन चार, जो कुमारे हो वो खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ।
पीछे वाले आगे आ जाओ, जो कुमारे हो आगे आओ, उतरो मैदान में अगर मुस्तफा के आशिक हो तो जी जी। उतरो अगर हुसैन से मोहब्बत है तो, उतरो अगर बेटियों की आबरू की हिफाजत का अहद किए हो तो, उतरो अगर कुछ करने की तमन्ना तेरे दिलों में है तो आगे आ जाओ, डरो मत। भाई सुभान अल्लाह, जो कुमारे हो आगे आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। जी जी जी। सुभान अल्लाह, ये देखिए कुमारे निकले, अब तो नारा लगना चाहिए, अब तो लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, मज़हबे इस्लाम की शान, फैजाने कुरान, क्या बात। ये सिरिसखेड़ा में नौजवान उतरे हैं अपने गांव की नई तस्वीर बनाने के लिए। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अगर हैरत नहीं है ज़बान खोलिए, मत निकाल दिए मुंह से आवाज, कितनी चुप्पी है, बोलने में भी पैसे लग रहे हैं आपके, अल्लाह रहम करे। अगर यही क्या बात रही तो बाबा को 50 साल तक नहीं भगा सकता है कोई। आहा। लिख लीजिए, जब मुक्तदा ही बुजदिल होगा, डर डर के बोलेगा, तो इनका क्या हाल होगा, क्या होगा? ये जितने कुमारे हैं वो आ गया, में गांव के सिर्फ तीन हैं। क्या? क्या? भाई मेरे, मैं तो, मेरा नाम बलियावी है, एक नस पकड़ता हूँ तो पूरा स्कैनिंग कर देता हूँ। बस गौर से सुन लो, ये सिरिसखेड़ा के सिर्फ तीन नौजवान हैं जो कुमारे हैं, बकिया सिरिसखेड़ा के जितने जवान हैं सबका निकाह हो गया है। आगे आओ, फुलेरे वाले हैं, मैं तो सिरिसखेड़ा वाले को भी देखना चाहता हूं ना, कि उसका बाप बेच रहा बेचेगा जानवर की तरह कीमत लगाकर। क्या बात है, अगर बेटा होगा तो नहीं बिकेगा, जानवर होगा तो हर रोज बिकेगा। क्या बात, इसलिए कि कोई कितना हूं गुनाहगार क्यों नहीं हो जाए, अपना खून का सौदा कभी नहीं करता। क्या बात है, अंदाजा हो गया। नहीं नहीं, जबरदस्ती मत उठाओ, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, वो डर के मारे खड़ा नहीं हो रहा हजरत, कि अब भी खड़ा हो जाएगा तो सुबह घर पहुंचेगा तो बाप घर से बाहर निकलेगा, इसलिए कि बाप ने तो ब्लैंक चेक रखा है 5 लाख 3 लाख, एक बुलेट और फर्नीचर। क्या बात, कितना, 11 लाख मंगनी में। हंसो मत, रोवो रोवो, सर पीटो सर पीटो, सर धुनो, क्या चीख रहे हो कि हुकूमत जुल्म कर रही है, क्या चीख रहे हो कि मस्जिद कम मीनारा खतरे में है, जो कौम अपनी बेटियों की आबरू ना बचा सके, वो कौम अपनी मस्जिदों का मीनारा नहीं बचा सकती, और जो कौम अपनी बेटी बचा लेती है वो कौम अपना मजहब भी बचा लेगी, वो अपना मुल्क भी बचा लेगी। बेशक, क्या बात है। लेकिन अफसोस, ये इतने नौजवान खड़े हैं, मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करता हूं। मुस्कुराने वाले बेटों, याद रखना, कयामत के दिन कल तेरी तस्वीर कैसी होगी और उनकी तस्वीर कैसी होगी। जिस बाप ने तुझ तेरा सौदा करने का प्लान बनाया है वो कैसे रुसवा होगा, और जो निकाह को सस्ता करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेगा उसका चेहरा कल कयामत में कितना रोशन होगा। क्या बात है, ये भी देख लेना, खूब 15 रोजा नहीं 20 रोजा कॉन्फ्रेंस करा लो, तकरीरें करा लो, रात भर नारा लगा लो, अगर बदलने का अहद नहीं करोगे तो 10 रोजा तकरीरों से तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
और अगर बदलने का इरादा और अहद कर लो तो जुमा की तकरीर पर नस्लें बदल जाएंगी, इलाका और आबादी बदल जाएगी। इन खड़े कुंवारे नौजवानों से मैं एक बात पूछ लूं कि बाबू बताओ, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक बार उन लोगों को भी देख लो गौर से, कैमरा वालों एक मर्तबा घुमा देना इनकी तरफ और नीचे लिख देना सिरिस खेड़ा के ये वही नौजवान हैं जो कहते हैं जहेज खत्म होना चाहिए लेकिन मैदान में उतरते नहीं है डर के मारे। लिख देना और इन जवान और उनसे इल्तिजा करके कहना, अब्बू आप चाहते हो कि तेरी नस्ल, तेरी जनरेशन तुझको जन्नत ले जाए तो हमको क्वालिफाइड बीवी मत लाओ, हमें गरीब के घर से, गरीब के छप्पर से सैयदा फातिमा की कनीज ढूंढ के निकाह कर दो, निकाह कर दो। हमें वो बीवी नहीं चाहिए जो अंग्रेजी में बात करे, हमें वो बीवी चाहिए कि फजर के वक्त अगर मेरी आंख न खुले तो मेरी शरीर के हयात वजू का पानी लेकर के खड़ा होकर कहे, मेरे सरताज फजर का वक्त हो गया है, आओ पहले तुम भी वजू करो मैं भी वजू करूं, ऐसी हमको बीवी दिला दो तो मेरे लिए भी आफियत होगी, अब्बू तेरे लिए भी आफियत होगी। मैं नौजवानों के जज्बे को सलाम करते हुए यही कहूंगा कि मेरे अजीज, बिकना तो है ही है, सुन्नी और बिके नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन मंडी बदल दो, ससुराल की चौखट पर मत बिको, बिकना है तो फातिमा के लाल के दरवाजे बिक जाओ। क्या बात है? वहां बिकोगे तो वहीं से ये सदा गूंजेगी, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। क्या बात? आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन जवानों के जज्बे को सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।